टॉपिक होगा मैथ्स क्लास, जो कि एसएससी, व्यापम, रेलवे, अदर एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है, जो कि 7 से 8 बार कई बार पिछले कक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है, जो कि देखिए यहाँ पर हम बात करें कि मैथ्स के तो 2 अगस्त से प्रारंभ हो चुकी है। छात्रावास अधीक्षक की क्लासेस अगर करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर कराया जा रहा है, तो वीडियो को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन की घंटी को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। जब भी मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूँगा तो नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो मैथ्स की क्लास हो रही है तो डेली क्लासेस कराएगी 5:00 बजे और 9:00 बजे। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। और ऐसे ही एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। देखिए ये प्रश्न कई बार रिपीट हुआ प्रश्न है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि कई बार एसएससी, व्यापम, रेलवे, अदर्स एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। तो पहला प्रश्न कहता है कि 40 व्यक्ति 30 दिन में 200 किलोग्राम चावल खाते हैं, तो कितने दिनों में 30 व्यक्ति 500 किलोग्राम चावल खाएंगे, तो इसका आंसर कौन सा आएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में आता है तो इसको छोड़कर नहीं आना है। इसका मैं आपको आसान ट्रिक बताऊँगा। ठीक है, अगर चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल वीडियो को सब्सक्राइब करके रख लें। प्रश्न में कहा है कि 40 व्यक्ति 30 दिन में 200 किलोग्राम चावल खाते हैं, यानी कि 40 व्यक्ति 30 दिन में 200 किलोग्राम चावल खाते हैं, तो इक्वल कितने दिनों में 30 व्यक्ति 500 किलोग्राम चावल खाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 30 है, दिन हमें ज्ञात करना है, तो डी को इसको ज्ञात कर लेते हैं, और 500 किलोग्राम चावल है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ से 20, ये 20 कैंसिल हो गया, यहाँ तक ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहाँ 10, यहाँ 10, ठीक है। इसके बाद यहाँ से 3 और यहाँ से 3, ये भी कैंसिल हो गया, बचा कितना, ये 50 बचा है। ठीक है, अभी 50 बाकी है। इसके बाद ये 2 है, तो 2 एक कम और 2 दूनी 4, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ये त्रिक गुण हो जाएगा, 50 गुणित 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा, 100 हो गया। ठीक है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, 100 kg। देखिए अगर इसको समझ में नहीं आया तो एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, अगर 50 गुणी 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 kg आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, यहाँ पर। तो 40 व्यक्ति 30 दिन में 200 किलोग्राम चावल खा सकते हैं, तो कितने दिनों में बोला गया है, तो 100 kg, यानी कि 30 व्यक्ति जो है 100 किलो 500 किलोग्राम चावल खाएंगे। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। एक मिनट, क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, केजी लिखा है ना, ये केजी नहीं है। ठीक है, ये केजी नहीं होगा, यहाँ पर कितना होगा, दिन होगा। ठीक है, ये दिन है, ठीक, ये दिन होगा, तो 100 दिन। ठीक है, जो कि कितने दिनों में 500 किलोग्राम चावल खाएंगे, तो 100 दिनों में खाएंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा, वो केजी नहीं होगा ना, दिन होगा वो। ठीक है, वो मिस्टेक हो गया, प्रिंटिंग मिस्टेक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड सवाल है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि कई बार रिपीट हुआ प्रश्न है, 7 से 8 बार, यानी कि 7 से 8 बार यह प्रश्न आ चुका है। ठीक है, एसएससी, व्यापम, रेलवे, एनटीपीसी, जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है मैथ्स की क्लास। हमारे यूट्यूब चैनल पर डेली क्लासेस कराया जाएगा और आज से ही स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल वीडियो को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर प्रश्न कहता है कि यदि 15 व्यक्ति किसी कार्य को 48 दिनों में कर सकते हैं, कोई 15 व्यक्ति है जो किसी काम को 48 दिन में कर सकते हैं, तो 30 दिनों में उसी कार्य को समाप्त करने के लिए, 30 दिन में बोला गया है उसी कार्य को, यानी कि वही काम को समाप्त करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 15 व्यक्ति है हमारे पास, ठीक है, 15 व्यक्ति किसी कार्य को कितने दिन में करता है, 48 दिन में करता है। ठीक है, उसी प्रकार 30 दिनों में, ठीक है, 30 दिनों में उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, ये आपके लिए शॉर्ट ट्रिक है। और इसके लिए फार्मूला क्या होता है, M1D1, ठीक है, ये वाला फार्मूला होता है आपके लिए। देखिए यहाँ पर एक फार्मूला होता है M1D1 W1, ये इस प्रकार होता है, ठीक है, M2D2 W2, ठीक है, ये वाला आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, है ना, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब ये आपके लिए फार्मूला बताया था मैं, ठीक, इसके बाद देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 15 कम 15 और 15 दूनी 30, ठीक, अब 2 को फिर से कैंसिल करेंगे, 2 एक कम 2, इसको 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, यानी कि 24, ठीक है, आंसर कितना आएगा, 24, आपके पास कितना आ जा रहा है, 24, तो
तो ऑप्शन कौन से में दिख रहा है, ऑप्शन सी में दिख रहा है। तो यदि देखिए 15 व्यक्ति है, यहाँ पर 15 व्यक्ति है जो किसी काम को 48 दिनों में कर सकते हैं, या उसी प्रकार 30 दिनों में उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 24 दिन, तो 24 दिनों में समाप्त होगी। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों देखिए यहाँ पर हॉस्टल वार्डन की जो तैयारी कर रहे हैं ना, यहाँ पर देख सकते हैं हॉस्टल वार्डन की जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए 2 अगस्त से हमारे यूट्यूब चैनल पर गणित और रीजनिंग की क्लासेस होगी। जिनको भी तैयारी करना है तो बिल्कुल वीडियो को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, और साथ ही कंप्यूटर की क्लासेस शाम 5 बजे और सुबह 9 बजे होगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यह कई बार आ चुका है ये प्रश्न। ठीक है, यदि किसी वर्ग की भुजा दोगुनी कर दी जाए, मान लीजिए किसी वर्ग है उसकी भुजा को दोगुनी कर दी जाए, तो क्षेत्रफल में क्या होगा, उसका क्षेत्रफल क्या होगा, आंसर पूछा गया है। तो ऑप्शन ए कहता है 2 गुना होता है, तो ऑप्शन बी कहता है 4 गुना होता है, और ऑप्शन सी कहता है 8 गुना होता है, और ऑप्शन डी कहता है 16 गुना। तो इसका आंसर कौन सा आएगा, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर यदि किसी वर्ग की भुजा बोला गया, मान लो एक वर्ग है, ठीक है वर्ग है उसकी भुजा की दोगुनी कर दी जाए, तो ठीक है दोगुनी कर दी जाए बोला गया है। ठीक है, मान लो एक वर्ग है, यहाँ पर 2 गुना कर दिया जाए बोल रहा है, तो क्षेत्रफल पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हम लेते हैं, एक मिनट ना, यह क्वेश्चन को ध्यान से समझना। ठीक है, देखिए यहाँ पर किसी वर्ग की भुजा मान लीजिए यहाँ पर 2 मान लेते हैं, ठीक है 2 है, तो उसको 2 गुना कर दिया जाए तो इसमें 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका क्या बोलेगा, वर्ग यानी कि किसी वर्ग की भुजा दोगुनी कर दी जाए, मान लीजिए इसकी वर्ग की जो भुजा है उसको 2 गुनी कर दिया जाए। ठीक है, ये वर्ग हो गया 2, तो 2 का कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, उसी पर 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 × 16। तो कि क्या बोला गया है, वर्ग की भुजा की दोगुनी कर दी जाए, तो इसका 2 गुना हो रहा है ना, 4 × 16, अगर 4 का 4 पर गुना करेंगे यहाँ से तो 16 आ रहा है, तो कितना हुआ ना, 4 गुना तो हो रहा है ना भाई, तो वही प्रश्न पूछा गया। तो ऑप्शन कौन सा में दिख रहा है, बी में, तो ये ऑप्शन हो जाएगा, कितना आ जाएगा 4 गुना। यदि किसी वर्ग की भुजा दोगुनी कर दी जाए बोला गया, चलिए ठीक है, मैं एक और बताता हूँ, एक और ऑप्शन है, ये वाला तो आपको समझ में आ गया, अगर नहीं आया तो फिर से एक बार बताता हूँ। ठीक है, एक बार और ध्यान से समझिए, किसी वर्ग की भुजा बोला गया, किसी वर्ग की भुजा दोगुनी कर दी जाए, मान लो 2 गुनी कर दिए, 2 गुना कर देते हैं, ठीक है 2 गुना कर देते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा, उसका क्षेत्रफल पूछा गया है। तो मान लीजिए अगर यहाँ पर क्या लेते हैं, 6 लेते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, डबल कितना हो जाएगा, 6 × 12 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका पूछा गया वर्ग कर दिया जाए, 6 का वर्ग कितना हो जाए, 36। ठीक, उसी को 12 का कर देंगे तो 12 × 12 कितना है, 144। ठीक है, तो 36 का 4 बार गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 144 ही होगा ना, तो कितना होगा, 4 गुना होगा, इसका आंसर वही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, चलिए अगर आज के लिए इतना ही, ठीक है 3 क्वेश्चन कर लिए, ठीक, थैंक यू। देखिए यहाँ पर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। ठीक है, डेली क्लासेस कराया जाएगा, ये शाम 5 बजे की बेस थी और सुबह 9 बजे की क्लासेस होगी। चलिए आज